हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू SAS क्रिएटिव ग्रुप। आज दोस्तों ब्रिक्स कैड के अंदर मैं आपको सिखाने जा रहा हूं यहां पर सप्लाइन कमांड के बारे में, और साथ में अगर आपको ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हो और परचेज कर सकते हो। तो चलिए सीखते हैं आज हम नेक्स्ट कमांड सप्लाइन। तो सप्लाइन कमांड हम यहां से लेंगे, उसके बाद ये हमसे पूछेगा सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट फॉर सप्लाइन। तो फर्स्ट पॉइंट मैं यहां पर ये क्लिक कर देता हूं। यहाँ पर हम ऑटो ऑफ रखेंगे सप्लाइन कमांड के लिए, ताकि ये हम फ्रीली ड्रा कर सकें। और फिर सेकंड पॉइंट पूछेगा, ये मैं यहाँ पर ये क्लिक कर देता हूँ। तो जो हमारी ये सप्लाइन होती है दोस्तों, वो एज ए कर्व शेप में क्रिएट होती है, और हम इस कमांड के थ्रू कोई भी शेप क्रिएट कर सकते हैं। तो सेकंड क्लिक जैसे मैं यहाँ पर ये कर देता हूँ, थर्ड क्लिक ये यहाँ पर, फोर्थ क्लिक ये यहाँ पर। जब आपको ये कमांड एग्जिट करनी है तो उसके लिए आप यहाँ पर राइट क्लिक कीजिएगा, ना कि एस्केप की। आप यहाँ पर राइट क्लिक दबाइए, फिर दोबारा कीजिए राइट क्लिक, और उसके बाद एक और बार आपको राइट क्लिक करना है, यानी कि तीन बार आपको राइट क्लिक करना है इस कमांड से एग्जिट करने के लिए। तो ये हमारी कमांड कंप्लीट हो जाएगी। अब जब हम इस सप्लाइन को सिलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पर ग्रीन डॉटेड देख रहे होंगे, ये इसके वर्टेक्स है। इनके साथ हम इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं इस वर्टेक्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो इस तरह से। यहाँ पर ये क्लिक करता हूँ, इसको मैं थोड़ा ऊपर की तरफ मूव करता हूँ, तो ये ऐसे मॉडिफाई हो जाएगी सप्लाइन कमांड। ओके फ्रेंड्स, तो अब दोबारा मैं यहाँ पर सप्लाइन कमांड लेता हूँ। फर्स्ट क्लिक ये करता हूँ, सेकंड क्लिक यहाँ पर ये करता हूँ। सेकंड क्लिक करते ही आप यहाँ पर तीन ऑप्शन और देख रहे होंगे, क्लोज, फिट टॉलरेंस एंड अंडू। क्लोज मतलब यानी कि अगर हमें इस कमांड से एग्जिट करना है। फिट टॉलरेंस का क्या मतलब होता है दोस्तों? तो जैसे मैं यहाँ पर एक बार एस्केप की दबाता हूँ और यहाँ पर ये सिलेक्ट करता हूँ, तो आप यहाँ पर देख रहे होगे जो हमारे ये वर्टेक्स है ये सप्लाइन के जस्ट ऊपर है। और दोबारा अब जैसे सप्लाइन लेता हूँ, अब यहाँ पर ये क्लिक, यहाँ पर ये क्लिक। अब जैसे मैं फिट टॉलरेंस एंटर करता हूँ, एफ एंटर करूँगा फिट टॉलरेंस के लिए, और यहाँ पर मैं ये एंटर फिट टॉलरेंस दे देता हूँ 50 एंटर। उसके बाद यहाँ पर ये क्लिक करता हूँ, फिर यहाँ पर ये क्लिक, फिर ये, और फिर यहाँ पर ये राइट क्लिक, राइट क्लिक, राइट क्लिक। ओके, तो अब जैसे मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो आप यहाँ पर देख रहे हो जो हमारे वर्टेक्स हैं वो हमारी सप्लाइन से दूर है, क्योंकि हमने यहाँ पर फिट टॉलरेंस की वैल्यू डाली थी, तो उसकी वजह से ये उन पॉइंटों से डिस्टेंस के ऊपर है। अब यहाँ पर ये क्लिक करता हूँ तो हम यहाँ से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर सप्लाइन का यूज़ करते हैं। अब दोबारा मैं यहाँ पर सप्लाइन कमांड लेता हूँ, फर्स्ट क्लिक ये करता हूँ, सेकंड क्लिक ये करता हूँ, और फिर यहाँ पर F एंटर करता हूँ, और यहाँ पर टॉलरेंस जो है 0 एंटर कर देता हूँ। फिर यहाँ पर ये क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक, राइट क्लिक, और फिर राइट क्लिक, और फिर आप देख रहे होगे दोबारा ये जो हमारे वर्टेक्स है सप्लाइन के ऊपर आ गए हैं। तो अब मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको सिखाता हूँ कि सप्लाइन कमांड हम कैसे यूज़ करते हैं किसी भी ड्राइंग में। तो यहाँ पर इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, एक इमेज इंसर्ट करते हैं। यहाँ पर इंसर्ट के ऊपर जाएंगे, अटैच रेस्टर इमेज करेंगे, और यहाँ पर हम उस इमेज का पाथ दे देंगे जो इमेज हमें यहाँ पर ओपन करनी है। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक गूगल मैप ओपन करके उसका स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, ये हम ओपन करते हैं। और फिर यहाँ पर मैं स्केल जो है स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन कर देता हूँ, रोटेशन एंगल हम 0 रखेंगे, और इंसर्शन पॉइंट हम स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन करेंगे, और यहाँ पर ओके कर देता हूँ। और फिर यहाँ पर ये क्लिक करता हूँ, और फिर यहाँ पर अपोजिट कॉर्नर ये क्लिक कर देता हूँ। तो ये हमारी इमेज इंसर्ट हो गई है। अब नेक्स्ट क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर जो स्नैप मोड है वो ऑफ कर लेंगे। तो यहाँ पर होम के ऊपर क्लिक करते हैं। तो काफ़ी टाइम हमें क्या करना पड़ता है दोस्तों, जो हमारी ड्राइंग है उसके अंदर हमें साइड का मैप भी दिखाना पड़ता है एरिया का। अगर रिवर है तो रिवर का मैप भी दिखाना पड़ता है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट कमांड है सप्लाइन। तो यहाँ पर मैं इसको जूम करता हूँ और यहाँ पर सप्लाइन कमांड लेता हूँ, और फिर हम क्या करेंगे इसको ट्रेस करेंगे सप्लाइन कमांड के थ्रू। तो मैं यहाँ पर ये क्लिक कर देता हूँ, सेकंड क्लिक ये कर देता हूँ, थर्ड ये, क्योंकि ये जो हमारी शेप है ये कर्व में है, तो ये हम क्लिक करते चलेंगे। तो अभी मैं रफली क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पर, ताकि आपको इजीली समझा सकूँ ये। अब यहाँ पर ये मैं राइट क्लिक कर देता हूँ, राइट क्लिक कर देता हूँ, राइट क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये जो पॉइंट है ये हमारा इस मैप से थोड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ है। तो ये जो सप्लाइन है ये मैप से थोड़ी ही दूर है। तो हम यहाँ पर ये जो वर्टेक्स है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ मूव कर लेंगे, और जो ये हमारा वर्टेक्स है इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर ये मूव कर लेते हैं इधर। फिर
फिर दोबारा हम यहाँ पर इस वर्टेक्स को भी कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर एक सप्लाइन से हमने ये शेप क्रिएट कर ली। अब दोबारा जैसे यहाँ पर सप्लाइन कमांड ले लेंगे, एक क्लिक यहाँ पर, एक क्लिक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो हम स्टार्टिंग से इस शेप को एक्यूरेट लेकर चलेंगे ताकि हमें बाद में मॉडिफाई ना करना पड़े। अगर जैसे आप यहाँ पर अगर ये पॉइंट क्लिक कर रहे हो तो आप देख रहोगे बीच में यहाँ पर गैप क्रिएट हो रहा है, तो इस गैप को ख़त्म करने के लिए आप यहाँ पर पहले ही क्लिक कर दीजिए, एक क्लिक यहाँ पर। ओके, थोड़ी छोटी डिस्टेंस के ऊपर ये क्लिक कीजिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो बाद में। तो यहाँ पर एक पॉइंट ये ले लेता हूँ, फिर यहाँ पर ये, तो अभी जैसे मैंने यहाँ पर थोड़ी डिस्टेंस के ऊपर डाल दिया, तो यहाँ पर आप कंट्रोल जेड कीजिएगा अगर आपसे मिस्टेक से कहीं और क्लिक हो जाए, और फिर यहाँ पर ये क्लिक कीजिए, फिर यहाँ पर ये क्लिक, यहाँ पर ये, ओके, और यहाँ पर ये क्लिक, और यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, राइट क्लिक, राइट क्लिक, राइट क्लिक। तो ये हमने एक रिवर की शेप क्रिएट कर ली है सप्लाइन के थ्रू। अब यहाँ पर बीच में आप एक गैप देख रहे हो इसके अंदर, तो यहाँ पर सप्लाइन कमांड लीजिए दोबारा, यहाँ पर ये क्लिक कर लीजिए, यहाँ पर ये क्लिक, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, राइट क्लिक, राइट क्लिक, राइट क्लिक। ओके, तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये रिवर की शेप क्रिएट कर ली। अब जैसे साइड के जो नक्शे हैं आप यहाँ पर सप्लाइन के थ्रू और लाइन कमांड के थ्रू इजीली ड्रा कर सकते हो। जैसे यहाँ पर ये शेप है, यहाँ पर ये क्लिक कीजिए, यहाँ पर ये क्लिक कीजिए, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, यहाँ पर राइट क्लिक, राइट क्लिक, राइट क्लिक। अब क्या करना है, हमें इस सप्लाइन की विड्थ देनी है। सिर्फ विड्थ हम कैसे देंगे, विड्थ हम यहाँ पर बाई लेयर के अंदर भी इसकी थिकनेस बढ़ा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर 0.40 कर देता हूँ, मगर आपको यहाँ पर अभी कोई चेंज नहीं दिखेगा। तो इसके लाइन वेट को चेंज करने के लिए यहाँ पर अगर विजिबल करना आपको, तो उसके लिए हमें यहाँ पर LWT के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। तो ये हमारा लाइन वेट होता है, तो एस्केप की दबाएंगे तो इसकी लाइन की थिकनेस भी चेंज हो गई है। ओके, तो इस तरह से हम यहाँ पर ये सप्लाइन का यूज़ करते हैं। तो अब मैं इस मैप को साइड में मूव कर लेता हूँ, M एंटर करता हूँ, यहाँ पर ये बेस पॉइंट ये दे देता हूँ और इसको मूव करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम यहाँ पर इस मैप को ट्रेस कर सकते हैं सप्लाइन कमांड के थ्रू। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच। एंड दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और उन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। डोंट वेरी, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग फॉर एवर। टाटा, बाय बाय।